वो आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था? मैं उसे मार रहा था वो नहीं खा। हाँ हाँ, मगर मार क्यों रहा था? हम लड़ाई कर रहे थे। पर लड़ाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम दोनों गुस्से में थे। पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मुझे उससे नफरत है। पर उससे नफरत करके, गुस्सा करके तुम उससे लड़ क्यों रहे थे? कौन है वो? वो मेरी माँ का बड़ा बेटा है। मतलब तुम्हारा बड़ा भाई? तुमने अपने भाई को मारा? हाँ, मैंने उसे मारा क्योंकि हमारे घर के पास ही दारा सिंह का बंगला था, इसीलिए मैंने उसे मारा। हाँ, तू तो 10 मिनट में पिक्चर देखना चाहती है। सुनो, गोपी, चलो भागो, वो औरत हमें मारने आ रही है। चलो चलो। गोपी, गोपी कौन है? ये गोपी कौन है? तुम्हारा असली नाम गोपी है क्या? अब कोई जवाब दे। हाँ, यहाँ मैं इसी नाम से बदनाम। अच्छा काम किया होता तो बदनाम हो रही है। गोपी, छोटा भाई समझ के मुझ पर तरस नहीं खाया। अब मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा रिटर्न टिकट है, मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ? जहन्नुम में जा रहा हूँ, और कहाँ। तो क्या तुम यहाँ इंदु की शादी के लिए नहीं आए? इंदु की शादी हो रही है? हाँ, तुम्हारे सारे भाई आए हैं। मुझे तो यही लगा कि तुम इंदु की शादी के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें यहाँ देखकर ऐसा लगा कि भगवान ने इंदु की प्रार्थना सुन ली और तुम आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इस गाँव में कभी भी नहीं आता अगर ये लड़की मेरे साथ नहीं होती तो। ये कौन है? लड़की है और कौन, इस मनहूस जगह पर आने का मेरा दिल ही नहीं था। ये गांव तेरे लिए मनहूस कैसे हो गया? हमारी वजह से। यहाँ आकर भी शादी में शामिल नहीं होना चाहता तो तू चला जा। अब गाड़ी 2 दिन बाद ही मिलेगी, यहाँ रुकने से अच्छा है हम घर चले जाते हैं। चलो। कौन है वो? ड्रैकुला है, हमारा खून पीने के लिए घर बुला रही है। जब देखो सब कुछ जाना चाहती है। जुए में सारे के सारे पैसे हारने के बाद इसे दोबारा यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई क्या? जाते वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना कि जो पैसे मैं जुए में हार गया हूँ वो सब वापस लेके आऊंगा। बस करो, तुम लोग सारा ये तो सोच कर देखो कि इस घर की आखिरी शादी में ये ना हो तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता, हम तो लक्ष्मी के कहने पर शादी में आए। पता होता ये भी आ रहे हैं तो हम नहीं आते। अगर तुम्हारे भाई के यहाँ आने से कोई भी चेंजेस होते हो तो हमें बता दो, हम वापस चले जाएंगे। अगर इसकी वजह से कोई फैसला बदला तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। वो यहाँ शादी में कोई दखल नहीं देगा, वो सिर्फ अपनी बहन को विदा करेगा और चला जाएगा। क्या आप अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बताओ आपके बाप दादाओं को ये क्या सूझी कि इस अच्छा खासे घर को लकड़ी को बनवा डाला जिसकी कीमत भी साली 2 कौड़ी की नहीं है। और पत्थर तो पत्थर है, सोने के भाव थोड़े जाएगा। तो जो बिकेगा उसको गाड़ी में भर के ले जाओ। और क्या, कितनी देर से इसकी बकवास सुन रहा हूँ मैं। तुम कितना दोगे ये बताओ। देखो दीमक लगे खंबे तो चोर बाजार में भी नहीं बिकेंगे। किसना तुम अपनी टांग मत अड़ाओ। तुम भी और हाँ, तुम्हें काम करो, इन पत्थरों को ट्रक में भरवा के मेरे 4 रास्ते वाले गोदाम पे भिजवा देना। और मेरे देखा? से अच्छी कीमत तो मैं कहती थी ना तेरी शादी में तेरा भैया जरूर आएगा। बस थोड़ी लंबी और मोटी हो गई है, बाकी बिल्कुल बच्ची ही है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई बड़े भैया। तेरा भोलापन तो बिल्कुल वैसा ही है रे, तू तो अभी भी बहुत मासूम है ना? ये कौन है? ये सड़क पर ली। क्या सचमुच? उसी तरह जिस तरह हमें सड़क पर कूड़ा करकट प्लास्टिक की थैली जिसे कोई उठाने वाला नहीं होता ना, ये भी उसी तरह पड़ी थी, लेकिन मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। क्या ये घर बेचे बिना ये शादी नहीं हो सकती? अगर हो सकती तो हम ये घर क्यों बेचते? पिछले 6 महीनों से पिताजी बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। एक एक करके दोनों भाई अपनी बीवियों को भी घर से ले गए, किसी को भी इंदु का ख्याल नहीं आया। ऐसे हालात में भला मैं क्या करती, तुम ही बताओ। तुम तो ये बात जानते हो कि ये घर मेरे और इंदु के नाम है। जब ये घर उनके नाम करने को कहा तब वो इस शादी में आने के लिए माने और शादी का खर्च उठाने के लिए तैयार हुए। वैसे भी इतने बड़े घर को मेंटेन करने की ताकत किसी में नहीं है, इसीलिए पिताजी ने सारे कमरे बंद करके हमें इस बरामदे में शिफ्ट कर दिया है। अब वो इस घर को बनाए बेचे जो चाहे करें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इंदु खुश रहे। ये बताओ तुम पिताजी से मिलोगे ना? नहीं, उन्हें बताना भी नहीं कि मैं आया था। मैंने इनसे वादा किया था कि जब मैं वापस लौटूंगा तो घर के सारे कर्ज का बोझ हल्का कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, उसके बाद ही उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। क्या है?
ये बताओ कि क्या तुम इस बैग को लेकर पैदा हुई थी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता मैं इसे कहीं भी रखूं? ये मेरा बैग है। आजकल यहाँ चोर आ गए हैं। अगर कोई कीमती चीज है तो लाओ, मैं अलमारी में रख। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, चाबी मेरे पास ही रहती है, जब चाहे ले लेना। पता नहीं कौन सा खजाना है जो अलमारी में रखने जा रही है। ये अलमारी की चाबी सिर्फ औरतों के पास ही क्यों रहती है? मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे अपने घर में ताला क्यों तोड़ रहे हो? मेरा ही कमरा है, चोरों के डर से ताला लगा के गया था। ये सब चीजें किसकी हैं? ये सब इंस्ट्रूमेंट्स तुम मांग के तो नहीं लाए हो? नहीं, ये सब मेरे ही हैं। अच्छा, चिराग वाले अलादीन ने दे दिया तुम्हें ये सब? अलाउद्दीन? अलाउद्दीन क्या तुम्हारे चाचा है? चोर चक्कर से मेरा कोई नाता नहीं। मुझे लगता है वो चोर नहीं, मेरी तरह मेहनती थी। साला चुट्टा। क्या बोली तू? अच्छा, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस कमरे में क्या कर रहे हैं? ये वीणा तुम्हारी है? ये मेरी माँ की थी, अब ये मेरी। बताने को मैंने मना किया था ना? बताया नहीं, वीणा की आवाज से वो खुद ही समझ गए। अच्छा, आप चलो। अपने बेटे को माफ कर दीजिए पिताजी। क्या कहना है? गाना सुनेंगे? कौन सा? तुम्हें गाने के लिए कह रहे हैं, वो गीत जो माँ ने तुम्हें सिखाया था। मैं सब भूल चुका हूँ, जीवन की उलझनों में संगीत भी उलझ के रह गया है। पिताजी के लिए गाना नहीं गाना चाहते? कोई बात नहीं, उनसे बात तो कर लो। क्या तुम इतनी सी बात नहीं मानोगे? पिताजी तुम्हारे जज्बात समझते हैं, उनकी खुशी के लिए बात कर लो। बाथरूम में गाने की बहुत प्रैक्टिस की है। वो पहाड़ी देख रही हो? वहां से यहां तक हमारे ही खेत थे, पर अब ये सारे खेत हमारे नहीं है, सब गांव पर लग गए। किसकी वजह से? मेरे अलावा और कौन? क्या बात है, पर ये सब किया कैसे? खेल खेल में। कौन से खेल में? जुए के खेल में। यहां यही एक खेल तो खेला जाता है, दूर दूर से लोग यहां जुआ खेलने आते हैं, और जब हारने लगते हैं तो खून खराबा तक हो जाता है। एक दिन मैं भी उनके झांसे में आ गया, हारने लगा तो घर और सारे खेत दांव पर लगा दिए, तब से अभी तक छुड़वा नहीं पाया।
बस यही गड़बड़ हो गई। तुमसे ऐसा कैसे हो गया? मेरी जन्म पत्रिका में यही लिखा है कि 25 साल तक मुझे बहुत झोल झाल करने होंगे। उसके बाद? उसके बाद तो मुझे इन सब की आदत सी हो जाएगी। यानी तुम्हारी जिंदगी में अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा? अच्छा टाइम तो अब शुरू होगा, गिरवी रखी सारी जायदाद छुड़वा लूंगा। पर इतना पैसा तुम्हारे हाथ में है? हाथ में तो नहीं है, लेकिन नजर से दूर नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे बैग से मतलब कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा ना। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, कब क्या मोड़ लेगी पता ही नहीं, एक पल भी चैन नहीं। जैसे हमारी खुशियां किसी बैग में बंद हों और हम उस बैग को चाहते हुए भी खोल नहीं पाते। अच्छा बताओ मेरा सपना क्या है? क्या है? उस पहाड़ी पर एक मंदिर है, मैं उसी में जाकर शादी करूंगा। लेकिन इस गांव में कोई मंदिर नहीं है। बहुत से हैं मगर मुझे कोई पसंद नहीं आया, और लड़की भी ऐश्वर्या राय से कम नहीं होनी चाहिए। ओह, लेकिन तुम में भी तो कोई खूबी होनी चाहिए। अरे बहुत सारी खूबियां हैं मुझ में, और एक बार लड़की मुझसे बात करेगी तो ना तो बोल ही नहीं सकती। उसके बाद? उसके बाद मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, और फिर मैं अपनी सारी झोल झपाटे की कहानियां उन्हें सुनाया करूंगा। वैसे मुझे ज्यादा नहीं जीना है, बस 100 साल तक ठीक है। सपने तो काफी देखते हो। जो सपने देखते हैं उन्हीं के पूरे होते हैं, तुम्हारा भी पूरा होगा। मेरा सपना पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बेस्ट फ्रेंड साथ हो तो मंजिल आसान हो। और उसने शादी से इनकार किया ना तो ऐसी जगह मारूंगा कि शादी करने लायक नहीं रहेगा। इतना प्यार, मैं मर जावा। फिलिक्स बहुत भोला है, मुझे लगता उसे फंसाया गया है। अगर ऐसी बात है तो तुम सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चले आओ कि गोद में ले चलूं। कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत है। मेरे हस्बैंड सऊदी से लेकर आए हैं। अभी तो वन पीस है। भैया ये किसने आखिर बापू को इतना मक्खन क्यों लगाया? अब वो जो भी करता है करने दो। मेरी बात सुनो, एक बार उनकी सगाई की रसम पूरी हो जाएगी ना, हम इंदु और भानु से साइन करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे? तैयार नहीं हुई तो मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा लूंगी। ठीक है। लो वो आ गए। भैया दरअसल हमारी कार रास्ते में खराब हो गई थी, इसी वजह से हम लेट हो गए। कोई बात नहीं, आइए। नमस्ते। ये है साली और ये है सब साली। ये राजेश चूना लगाते हैं इनकम टैक्स को, और ये है फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये है रंजन चूना गारा लकड़ी का बिजनेस करता है। आइए आइए बैठिए, सब लोग चलो चलो। भैया वो दूल्हा कहाँ? दूल्हा एकदम सही वक्त पे आया है। सुनिए सारी तैयारियां हो गई हैं, अगर आप कहें तो मंगनी की रस्म पहले कर लें। आप इस तरफ आइए। संभाल के चढ़िएगा, गिरिएगा नहीं।